गरीबों का तो हौसला गिर चुका है। एक बार हौसला बढ़ाने के ताली आप लोग बजाइए तो सब लोग ताली, सब लोग ताली बजाए। देखिए एकदम, देखिए देखिए हौसला बढ़ा ना, मोच थोड़ा सा और ऐंठ दीजिए ऊपर, हटिए थोड़ा सा, हटिए मोच ऊपर में, ये देखिए जरूर जरूर देखिए। तो ये अब हमारे लोग मोच ऐंठ रहे हैं यहाँ पर। अब आपको दर्शक, जो भी हमारे दर्शक है ना, वो गर्दा उड़ा देंगे। हमारे जो हमारे दर्शक में जो वैसे लोग हैं जो कि देख रहे हैं और काम नहीं कुछ करेंगे, तो हमारे यहाँ के लोग मुंह छेट के गर्दा उड़ाएंगे। जरूर सर, गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए एक बार और ताली बजाइए सब आदमी, जोरदार जी बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है छपरा मेघ पंचायत से, जो कि मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है। अब दर्शकों को जानकारी है कि यहाँ पर चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। यहीं के लोग, कई निवासी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप दर्शकों को बता दें कि यह कार्यक्रम सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। ये जो कार्यक्रम है, यह समाज की स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। न किसी दूसरे के विरोध है, न किसी का सपोर्ट है, या अवलोकन है वास्तविकता का। तो आप दर्शक हमारे जो हैं, नज़र बना कर रखें और ज़रूर हम आपसे कहेंगे, कमेंट भी करें आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं नाम हुआ जोगिंदर पासवान। जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। जोगिंदर जी, चुनाव हो रहा है, जानकारी है ना? कितना आप लोग तैयारी, कैसा कैसा तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जनता कैसी तैयारी कर रही है, बढ़िया को वोट देना है? देखिए सर, हम लोग का तो उम्र जो है से पौन पर चलाया, 77 साल का उम्र होगी, अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो हम लोग जो है से चाहते हैं जो गांव विकास होना चाहिए, अच्छे आदमी को चुनाव किया जाए, जो उसमें मतलब देखे, और मैंने गरीब फकीर अमीर सभी को लेकर चलना है। तो चलना है तो व्यवहार एक रहना चाहिए, वोट ऐसा होना चाहिए जो विचार होना चाहिए, विकास गांव का अच्छा। इस मतलब पौधा लगा हुआ है सर, तो भिखमंगा अमीर सब बैठता है यहाँ पर, असले स्थान चौक है। 20 साल में सर जो है मजदूर सब मेहनत कर करके खड़ा किया मल्ली, लेकिन इतना दिन से सर खड़ा नहीं हुआ, अभी तक भी सर ध्यान नहीं है। तो हम लोग जितना दिन है सेवा में जरूर रहेंगे जनता के साथ, इतना मेरा कहना है सर। हम तो मूर्ख है, पढ़ल लिखल नहीं है, लेकिन उम्र तो है। सही बात है, और बहुत बढ़िया बात आप बोले हैं, कहीं किसी का विरोध ना, कहीं किसी का सपोर्ट, बढ़िया को चुनेंगे आप। नहीं, हाँ, बढ़िया विकास होना चाहिए गांव। एक बार आप लोग ताली भी बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए सभी लोग। हाँ चलिए, देखिए देखिए ये बात जो वास्तविकता है, आज ये इन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर इनका उम्र हो गया, इनको पेंशन नहीं मिला, तो एक समस्या है। और इसको लेकर कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी जो लोग हैं यहाँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अगर आप लोग इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। और आज आप दर्शक हमारे जो क्षेत्र को देख रहे हैं, इस समाज को देख रहे हैं, छपरा में एक पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका वोट दायित्व है, इनकी समस्या के निदान को लेकर के भी आप जो वोट करें तो जरूर सोचें। तो इस बार लगता है कि आपका मिल जाएगा पेंशन, बढ़िया कोई उपाय है? देखिए सर, समाज खुश रहेगा, मेहनत कर करके सर हम कमा करके इतना बड़ा 77 साल का उम्र हो गया, लेकिन आज तक हराम बराबर एक कप चाय नहीं पिए, पिला देते हैं सर लेकिन पीते हैं नहीं। इतना अपना आत्मा से कीजिए जो किसी को मेहनत से खिला दीजिए, खाने वाला जो है से हराम है। तो देखता है सर, देखते देखते तब हम लोग माने चुक रहे हैं। 60 साल के बाद पेंशन मिलता है, हमारे बेटा 27 साल का मर गया सर, पुतोह जो है से 25 साल का उम्र है, 3 गो उसका जो है से धिया पुता है, वो विधवा को सर कुछ नहीं मिला आज तक, जितना नाम विकास है मित, समझ गए, वो अभी तक सर नहीं देख पा रहा है। 500 रुपया होगा सर तो आपके निकट जाएंगे, नहीं मेरा 500 रुपया हुआ तो हमारे ऊपर नज़र आप गिरा दिए, क्या हम बतावे, प्यास लगता है तो कल पर जाएंगे सर तो पानी पियेंगे। आज विकास दिखाते हैं, मेन रोड है, देखिए मेन रोड यहाँ जो है सलेश स्थान, छोटे बड़े का पंच का दया है, स्थान है सर, मठ पर फैसला होता है, पंचायत भवन क्यों बना, कोई भी फैसला बाबा दूध ना तर होता है, पंचायत भवन बना, पंचायत में बैठ कर का फैसला करने के लिए तो सब घिरते हैं अपना बगल, एक गरीब बगल कोई नहीं,
हम लोग देखे हुए हैं, जाट फसला होना चाहिए। चलिए तो इस बार आप लोग बेहतर उम्मीदवार को चुनिएगा। हम लोग बढ़िया आदमी को चुनते हैं। चलिए हम ये नहीं कहेंगे कि किसको चुनना है, क्योंकि दर्शक भी आप हैं और यहाँ भी जो लोग हैं वो आपका व्यक्तिगत है, आपका सोच होगा, आपका विचार, लेकिन बेहतर को चुनना है। अब थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा तो आप अपने छाप को उधर थोड़ा सा हटा लीजिए कि दर्शक हमारे जी जब जरूर हम सभी लोगों से बात करते हैं, लेकिन पहले इन पर हम आ जाए। देखिए आपके समस्या का निदान कैसे होगा जानते हैं, वोट बहुत बड़ी ताकत है आदमी की, वोट है ना। आप ही बनाते हैं मुखिया, आप ही बनाते हैं वार्ड मेंबर, आप ही बनाते हैं सचिव, पंचायत समिति सब बनाते हैं ना जी, विधायक भी बनाते हैं, एमपी भी बनाते हैं, तो वोट का बहुत पावर है, बहुत पावर है जी। मतदान करना है हाँ। तो हम मतदान ऐसे जगह पर करें जो मेरा भगवान घर से भलाई हो, भलाई हो, और यहाँ रास्ते में रजा बुराई हो जाएगा हाँ। तो हमको कौन पूछेगा। सही बात है। तो आज गाँव में अगर ऐसे लोग जो वोट यहाँ करने वाले हैं तो ये सोचना है कि समाज का विकास कैसे हो। आप लोग लोभ मोह से नहीं ना करने वाले हैं, डर से? हम लोग लोभ नहीं सर करते हैं, विकास करते हैं। विकास से रहना चाहिए, संगठन बढ़िया रहना चाहिए। जो एक गरीब मतलब कोई तरह का आपत आएगा तो मतलब वो आदमी को हॉस्पिटल पहले होना चाहिए, दवा दारू मिलना चाहिए। जिएगा तब ना जो है सो पिएगा, और जीवे नहीं करेगा तो पिएगा क्या। सही बात है। एक बार और ताली बजाइए आप लोग इनके लिए, बहुत बेहतर बेहतर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप जो बात आपने कही है, हम भी ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप बढ़िया को चुनिए, बढ़िया आदमी को वोट दीजिए, और बढ़िया को वोट दीजिएगा तो समाज जो चुनेगा सर बढ़िया, हम लोग भी कहेंगे बढ़िया जी जी जी। हम लोग पुराना हमारे मुखिया जी मर गए, हम लोग का सिखा करके पढ़ा करके जमींदार को जमींदारी में मतलब रह करके जमींदार लोग कहा कि ये चाहे सो भूहार नहीं है, ये सुल्तान है। अभी आप इधर आइए, समझ गए? देखिए देखिए यहाँ पर जनता को एक बात और यहाँ पर गरीब को जनता को बना कर मरे हुए हैं जी, जी, जी। जो बाबू जेल में थे वो जनता उनको चिता करके जेल से हमने लिया लाए। चलिए हम आपके पास फिर हम आते हैं थोड़ा सा और उनसे भी। आप इधर आइए, आप प्रत्याशी हैं, ये अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए जी। मैं ना अनुरोध पर छपरा में ग्राम पंचायत से मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ जी, और कुछ बातें मैं लोगों को ये बीच लेके आया हूँ। सबसे पहली बात है कि शिक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ काफ़ी चौपट है, तो मेरी कोशिश है कि परिणाम आने के बाद मैं ग्राम पंचायत आज छपरा में के हर वार्ड में गरीब बच्चों के लिए पहला कक्षा से लेकर दसवां कक्षा तक ट्यूशन की फ्री व्यवस्था करूँगा। सड़क नाला तो रूटीन वर्क है, ये बनेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो सरकार जी, हम उस पर आते हैं, हम आपकी बात। सबसे पहले ये पर्ची आप यहाँ पर बांट रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे आप, ये क्या है इसमें लिखा हुआ? अच्छा, ये तो आपका छाप है, और छाप के अलावा आप क्या कुछ लिखे हैं यहाँ पर, एक बार मैं आपको दिखा दूँ दर्शकों। चूँकि ये प्रचार नहीं है, ये मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि ये है अनुरोध प्रकट जी। मैं ज़रूर कहूँगा कि ये प्रचार नहीं है, ना मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ ना इनका विरोध कर रहा हूँ इनसे। एक सब चूँकि यहाँ पर चौपाल चल रहा है और स्वयं यहाँ पर आ गए तो हम इनकी बात भी आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए आप भी सुनिएगा। अच्छा अनुरोध प्रकट जी, एक बात आप बताइए, ये आपके ग्रामीण हैं, आप इधर आइए ठीक है, और ये 70 साल के हो गए, इनको पेंशन नहीं मिला, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? इनको पेंशन नहीं मिला ये काफ़ी दुखद बात है। ग्राम पंचायत राज मुखिया जी जो हमारे 20 साल से हैं, उनका ये कार्यकाल बड़ा दुखद रहा है। इनको जैसे ही ये चुनाव संपन्न होता है, परिणाम क्या आएगा इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, जो भी परिणाम आएगा मुझे मंजूर है, लेकिन इनका पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये चुनाव परिणाम आने के बाद विदिन ए मंथ पेंशन इनका चालू होगा। मैं इसके लिए इनका ऑनलाइन सारा कुछ करवा के और 45 दिन के अंदर सिस्टम है पेंशन शुरू हो जाने का, इनके खाते में पैसा जाएगा जी। खैर हम तो और सर सवाल ले लेते, लेकिन अब तुरंत आप आ गए हैं। अभी सड़क को इन्होंने भी दिखाया, सड़क भी बेहतर यहाँ पर नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सड़क की गुणवत्ता रियली छपरा में जो बना है वो रियली बहुत खराब है। 3 महीने में ही सड़कें टूट जा रही है, इसकी रिपेयरिंग होगी, और जो भी नया सड़क बनेगा या जो भी मोहल्ले का जो चौराहा है, पगडंडी है, वो तमाम पगडंडी छपरा में का जो है सोलिंग के साथ साथ PCC होगा, ताकि लोगों को बरसात में भी चलने में कोई दिक्कत ना हो, हर पगडंडी पक्की होगी। अच्छा एक बात बताइए, जो कह रहे हैं विश्वास बन रहा है? नहीं सर, हम विश्वास का जानते हैं, पेट जब मतलब भर जाता है तो कंठ पर जाकर के उगला जाता है सर, उगलाता है, अभी उगला रहा है, उगला रहा है कि नहीं। 26 पंचायत है सर, 25 पंचायत में मिल चुका, गरीब का एक मच्छर नहीं मिला, खाने के लिए क्या मिलेगा? मुंह देख देख करके होता है काम, नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, विकास होना चाहिए, फ्रेश मतदान करना है,
भगवान को सहारा से हमको जो आत्मा करेगा हम मतदान करेंगे। जरूर, हम यही बात हम कहेंगे, आप अपने मत। ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास वृद्धा पेंशन है, ना हमारा जहर से खेत है, खाली शरीर से शक्ति मनाते हैं। जनता खुश रहे तो उसको पीछे हम भी खुश रहे। हम लोग बहुत कष्ट काट रहे हैं, कष्ट काटते काटते अब सर मरने वाले हैं। 77 साल का उम्र हो गया, पेंशन जब नहीं मिल रहा है तो जाने कि जब हमको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है। सरकार सब व्यवस्था देता है लेकिन यहाँ तो सर मालूम नहीं होता है, लिख लो रहा पर पत्थर। आप आइएगा कहिएगा कि जो भाई चलो ना फलना जगह मजदूरी मिल रही थी वहीं सर हम चल जाएंगे। तो हमको विकास होना चाहिए बढ़िया। बारह बरन का देखिए सर, 7 नंबर है यहाँ से लेकर के पंचायत भवन तक। आज तक जो है सो मतलब क्या कहता है उसका नलका नहीं बना। अभी जो है सो नया जो है सो मतलब बना है, वो जो है से वार्ड उसको गांव दबार किया है, ब्लॉक में इन्फोरन गया है तो मतलब जा करके मतलब शुरू किया है। लोग कहते हैं जब हम करते करते मर गए, 20 साल में क्या जागरण हुआ जनता आपका? जनता से पूछिए जब बेईमानी है कि अस्थारा है। जी हम आपके पास आते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ, इसको थोड़ा सा आप अपने पास रखें, हम आपके पास भी हम आते हैं। सब नियम नाम की भेल अकलू पासवा की दिक्कत है हमारा तो 18 महीना से जो लॉकडाउन लागल एको गो रुपया न मिलल है बूढ़ा पिल्सिम दौड़ दौड़ सब प्रतिनिधि के कहत कहत मुखिया के सारा आदमी के कहत कहत अभी तक न भे। 4 गुल गली वहाँ बेला पैदल हिया से पैदल जाके में गाड़ी घोड़ा न चलै थी, हमरे एगो साइकिलो चलावे वाला ना आदमी पैदल जाइ थी आबै थी। आ तब हुआ से न हुआ कोई सुनल मंगलक जे आधार कार्ड खाता के नंबर लाइए भरवा कर जीरस करा कर ऊ दिली। 4 दिन दौड़ी न आयल, फिर 3 दिन दौड़ी हत लगातार, तब 3 दिन में सुधार भेल अपने जा। कोई प्रतिनिधि नहीं सुना है एको गो, नीचा से ऊपर ला जितना है एको गो नहीं सुना है, ना एगो कागज लिख कर दिया है। हम अपने जाकर फिर 3 दिन दौड़े हैं तब खाता चालू भी आया है, 1100 रुपया अस्ते खाता हमको बंद है। अब कोई कागज में गड़बड़ न है कहूँ से। इस बार क्या करिएगा इसका चुनाव में? चुनाव में 3 दिन फिर लगातार दौड़ली है तब खाता चालू भेल है, 1100 में से 600 रुपया उठैली अपन आ तब चालू भेल खाता। बताओ ये परेशानी भेल है तो अब केना केना अब एक बदला ले लेबे हम की वोट में? आज कहैया कोई जबल हम एतेक कैली ओतेक कैली, कौन काम कलक आदमी बताइए जो कौन काम करा। सही बात है, सारा लूट का खा गया। आज जनता के कहते हैं हम अथी कर लिया बेईमान धर्मी से, जब एगो हमनी पुत्र आदमी है एगो माथा पर 10 किलो सौदा लेकर बेच कर हमारा बाल बच्चा के खियाते है, एगो लड़का में जितना जिंदगी भर कमाए उस मर गया ब्याह शादी का, आ तब कोनो नहीं सुनता है। आज चलता है जो हम रुपया वाले दिखाते हैं आ प्रतिदिन है हम, आ जनता के एगो काम नहीं करता है, लूट का टोपी वाला खाता है सर। ठीक है हम आपकी बात समझ। देखिए देखिए मैं गाँव की स्थिति जो आपको दिखा रहा हूँ, आप भी इधर आइए, आप प्रत्याशी है ना, आप क्या होगा रिजल्ट बाद की बात है, लेकिन ये आपके गांव की समस्या है, ये आपके समाज की समस्या है, तो ये कैसे इसका निदान निकलेगा आप बताइए। देखिए पूरे गांववासी हमारे जो हैं मुखिया जी के जो विधि व्यवस्था है उससे काफ़ी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखी हैं, सारे लोग दर्द में हैं, सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ समस्या है, और इस समस्या के निजात के लिए हम लोग एक साथ बैठेंगे और सारी समस्याओं का समाधान होगा, चुनाव में परिणाम की कोई चिंता नहीं। देखिए मैं वही कहूँगा अनुरोध प्रकट जी आप हैं, मैं यही कहूंगा कि ये समाज की समस्या है और जीत हार तो खैर वोट की पूरी गिनती पर आधारित है, लेकिन हम सभी का ये दायित्व भी बनता है। दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, दर्शक में हमारे अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि एक 77 साल के व्यक्ति को पेंशन नहीं है, एक जो गरीब व्यक्ति है इनको जो जो जो, जो साधन नहीं है उसका निदान कैसे निकलेगा? अनुरोध जी ये दवाई दायित्व हमारा भी बनता है, दायित्व आपका भी बनता है, सबका। और देखिए जो खोपड़ी है सब चूर चूर भी है, पानी में बाल बच्चा कपड़ा लत्ता भी जाएगा, पन्नी मांगेगा है मुखिया
जी सब पन्नी नहीं दिया है, एगो पन्नी नहीं दिया। हम लोग देखेंगे और ये बात है, ये बात जरूर जरूर मैं जरूर आता हूँ आपके पास भी। देख मैं दिखाना चाहता हूँ, ग्राउंड से रिपोर्ट है, मैं किसी के लिए प्रचार नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। यहाँ पर संजोग से ये सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हो गए हैं और कई लोग सारे यहाँ पर हैं और वो अपनी बात बता रहे हैं। छपरा में एक पंचायत है, ये मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है और इस तरह से जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, बड़ा ही दुखद है कि इस तरह की समस्या इस पंचायत में है, तो इसको लेकर काम करना पड़ेगा। और हम सभी, आप जो दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, वो आपका भी दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों की समस्या का निदान निकाला जाए। ये जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप निदान नहीं निकालते हैं तो पूरे पूरे देश स्तर पर जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, सबके लिए फेल्योर है। मैं ये कहना चाहूंगा जी, आपका परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम अवध किशोर सिंह जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी, और बच्चा से लेकर के आज मेरा 57 वर्ष उम्र हो चुका है। इसी गाँव में मैं पला बढ़ा रहा और सारी समस्या को मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ। आज लगभग बहुत दिनों से पहले से जितना भी हमारे पंचायत में समस्या हैं, एक नहीं हजारों समस्या है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ लोग ऊंच नीच, जात पात, पैसा कौड़ी, इसी का राजनीति होता है हमारे गांव में। दूसरा कोई राजनीति नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, अशिक्षा है इससे मतलब नहीं है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, किस गरीब को मकान है, किसको पानी मिला, किसको रोड मिला, ये सबसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, कबीर अंत्येष्टि योजना है, कन्या विवाह योजना है, एक भी योजना मेरे गांव में नहीं चल रहा है। आप सारे जनता से पूछ सकते हैं, जरूर हम आपकी बात कहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग अब इस पर चर्चा करें। आज जो लोग, मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं दर्शकों को, आप लोग थोड़ा शांति, आप थोड़ा शांति बनाइए। मैं यही जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपने जो इन्होंने जो बात बताई है, जी जी मैं आपके पास भी कर रहा हूँ, जो इन्होंने जो बात बताई है, आप कमेंट भी जरूर करें कि कितनी सत्यता है। अगर इस पंचायत में इस तरह की बात है तो अब इसका निदान निकलना चाहिए। जी बताइए, जनता से पूछिए, जनता ही बताएगा जो क्या हमारे बात में सत्य है या असत्य है। अभी हमारे वर्तमान प्रतिनिधि लोग, यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। आज से 2007 में हमारे यहाँ एक मुझे स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन कागज पर रह गया 6 बेड का अस्पताल था। पैसे वाले हैं तो चार चक्का पर चढ़ के मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। जो गरीब है उसको एक टैबलेट भी मिलने की व्यवस्था नहीं है। इसका केस निगरानी विभाग में आज भी चल रहा है। अब आ जाइए, मर मकान, घर द्वार, पानी का स्थिति है जो आप वार्ड घूम करके देख सकते हैं, कहीं भी पानी का स्थिति सही नहीं है। एक दो वार्ड है जिसमें कि पानी बुझे जो कि चलता है, और नहीं तो बाद बाकी वार्ड का पानी बंद है। रोड नाला का रास्ता का है, समझ रहे हैं, रोड नाला का जहां तक सवाल है, यहाँ सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अब इसका निदान पर चर्चा करिए, हम समझ गए समस्या, निदान कैसे निकलेगा सो बताइए। निदान होगा जब तक जनता अच्छे लोगों को, ईमानदार छवि वाले लोगों को, जो इनके लिए कुछ कर सके, नहीं अगर ये लोग चुन करके देंगे तो ये निदान कभी भी नहीं होने वाला है। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, सही बात बोल रहे हैं। देखिए ये बात भी सही है कि जब तक कौन है, क्या है, कौन जीतेगा हारेगा बात की बात है, लेकिन सही आदमी को चुनना पड़ेगा, सही आदमी को वोट देना पड़ेगा, तभी निकलेगा निदान। यहाँ नरेगा मनरेगा का सर बुझे जो कि काम हम होता समझ है। के समस्या हम एक बात भी लेबर को काम नहीं दिया गया है। कोरोना काल में लाखों रुपया आया है, अभी फिलहाल बरसात हुआ है, अगल बगल के पंचायत में 15 दिन सरकार के तरफ से सब गरीब को भोजन दूर नहीं मिला है। देखिए हमारे पंचायत में किसी भी गरीब को एक दिन भी भोजन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसका भी जवाब अब प्रशासन भी दे और जनप्रतिनिधि भी दे, जनता तो सब देख रहा है। पूछिए जी बात में सत्यता है या नहीं है। बगल हम के जरूर, हम जरूर देखिए, हम आप क्यों नहीं हुआ, हम आप ही के बात, आप एक और हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर ये जब बनने की रेस में है, क्या आप इनकी बात जो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सामने सामने ये भी आ गए हैं, कल के डेट में आप भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ये समस्या जो बता रहे हैं आप, कैसे निदान निकालिएगा सो बताइए। भाई साहब के तमाम बातों से हम सहमत हैं, क्योंकि छपरा में एक पंचायत में जो समस्या है जटिल, और सारे लोग हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन इसका समाधान जो है तो बैठ के हम लोग निकालेंगे, परिणाम चाहे जो हो इसकी चिंता नहीं हम लोग। एक सवाल हम वहाँ पूछते हैं, ये अब काहे निकलेगा, पहले कला नहीं निकला है, सो जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग मिल के मुखिया के विरुद्ध, हम दोनों भाई मिल के मुखिया के विरुद्ध जो है, जिला प्रशासन के यहाँ से लेके बिहार सरकार तक सब जगह लिखे हैं, जनता का उस पर सिग्नेचर हुआ है, सैकड़ों लोग का दस्तखत हुआ है,
उसके बाद प्राइमरी स्टेज में शौचालय का भुगतान हमारे यहाँ बंद था, तो जब आवेदन गया है उसके बाद भुगतान भी धीरे धीरे शुरू हुआ और भुगतान हुआ, बहुत लोगों को नहीं हुआ। कारण क्या है कि शौचालय का पैसा मुखिया जी ने ऊपर ही ऊपर निकाल लिया, मतलब जो जितना स्ट्रेंथ था हमारे पंचायत का, हमारे पंचायत में 2955 हाउस है, नंबर ऑफ हाउस जो है 2955 है, और मुखिया जी 2016 में ही 1200 लोगों के शौचालय का पैसा निकाल लिए, लगभग 500 शौचालय का पीएचडी से निकाल लिए, है ना। इस तरह से इतना बड़ा घोटाला है, सब तो आप लोगों का बुद्धिजीवी पर तो कलंक है। इसके विरुद्ध जो है, इसके विरुद्ध हम लोगों ने भैया के सहयोग से आवेदन दिया था, ठीक है, लेकिन सरकार की इतनी शिथिल व्यवस्था है, इतनी शिथिल व्यवस्था है कि वो आवेदन मतलब कार्यालय में दब के रह गया है ना। चलिए अब देखिए, मैं भी बात को जो समझाऊँ, मैं भी जो समझाऊँ आप तक, मैं एक बात को जरूर कह दूँ और आप लोगों को भी मैं कह दूँ कि अब समाज में बेहतर, अब समाज में बेहतर व्यवस्था बननी है, अब समाज में वोट भी लोगों का जो आप लोग ले रहे हैं जनप्रतिनिधि जो भी, तो आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून भी नहीं छोड़ेगा, पब्लिक भी नहीं छोड़ेगा। अब इस बार आप लोगों को जागरूक होकर, आप सभी लोगों को जागरूक होकर बेहतर उम्मीदवार को चुनना पड़ेगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जो छपरा पंचायत में सारे जनता इस जगह खड़े हैं, पूछिए इन लोगों से, मेरे यहाँ कभी आम सभा होता ही नहीं है। चलिए इस पर हमारे लोगों के बीच आते हैं, आप आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए, आप इधर आइए, बोलबम इधर आइए, क्या नाम है आपका? रवि रंजन कुमार। रवि रंजन, ये आम सभा में गए कभी? नहीं। क्यों नहीं गए? हमको पता ही नहीं था। होता है कि नहीं होता है? होता है कहीं कहीं, लेकिन हम लोग को नहीं पता। नहीं, आप इधर आ जाइए, आप इधर आए, आप आपका क्या नाम हुआ? आप थोड़ा सा इधर ही आइए। जी जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विपिन कुमार नाम हुआ। क्या 18 साल से ऊपर के आदमी हैं? जी। वोट गिराते हैं? वोट गिराते हैं। आम सभा कब कब होता है जानते हैं? आम सभा लगवे नहीं करता है तो जानेंगे क्या से कब होता है नहीं होता है? सरकार के लिस्ट में तो आम सभा का डेट पूरा फिक्स है। डेट है लेकिन हम लोग को पता नहीं है। आपसे सवाल पूछूंगा मैं अभी आपसे, हम लोग के पते नहीं है से आम सभा किस डेट में लगता है और कहाँ लगता है। लगेगा तब ना पता रहेगा। अरे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मजदूर दिवस होता है, 1 मई उसमें, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसमें कहीं आम सभा नहीं लगा जाता है। तो आप लोग वोट देकर सूत रहते हैं? वोट देते हैं, अब प्रतिनिधि 20 साल से है लेकिन कुछ नहीं गांव में किया है। जनता में तो इतना पावर है कि आधा रास्ता से लोग डालेगा पंचायत राज व्यवस्था में, क्या है कि नहीं है? बिल्कुल वो व्यवस्था है, बिल्कुल। तब आप इसको लेकर के जागरूक है नहीं आप लोग? जागरूक होगा कैसे होगा, जनता लोग के बोलने देगा तब। चलिए अभी आप बोल रहे हैं ना? जी अभी बोल रहे हैं। आप जागरूक हो गए ना? हाँ बिल्कुल जागरूक है। मैं बता दूं आप लोग के वोट दूंगा, जो काम करेगा उसी का वोट दूंगा जो। हाँ ये ताली बजाइए आप इनके लिए, सबसे पहले सब आदमी देखिए, सोच समझ के वोट करेंगे और काम करेगा उसी के लिए करेंगे जी, पैसा वैसा का चक्कर नहीं रहेगा, कोई नहीं। ठीक है, देखिए माता जी भी यहाँ पर आ गए, आम सभा में कभी गए माता जी? नहीं सर, हम लोग नहीं जानते हैं। कथी फायदा भेल का कुछ? कोई फायदा नहीं हम लोग का, कोई फायदा। वृद्धा पेंशन ना मिले? ना वृद्धा पेंशन मिले, मिले तो भले ही को फायदा। फायदा मिले तो हमारा कौन क्यों दिले होता ना, मुखिया वार्ड सरपंच, हम अपने हमारा ऊपर गेली है तो मिलल। ओ ऊपर से गेली तभी से न देलकी ना? अच्छा मिलाइए ना कम से कम। हाँ मिलाइए। अच्छा ठीक है, आवास मकान के है, पक्का के है कि अथी के है? आज पक्का है। के ना बनलिए पक्का? अपने कमा का अपने कमाई से 25,000 रुपया मिले सरकार? 25,000 मिल रहा है? कितना दिन पहले मिल रहा? बहुत पहले, उतना हमारा याद है। अच्छा, बहुत पहले मिले तो दू को फायदा ले लिया अपने, राशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड है। क्या बताओ तो कहीं फायदे न मिले हमारा? हाँ तो फायदा मिले सरकार दे खा रहे खाए ना तो की करू, गाँव में बांट दू की कला में धोला। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखिए कुछ तो फायदा भी मिल रहा है कुछ समस्या भी है। आप भी इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए पंचायत कोई रहे, बात सब जगह एक ही है। देखिए ये यहाँ पर जो समस्या बता रहे हैं, ना आम सभा है, ना यहाँ पर कोई बात चल रही है, ना सरकार की योजना, भ्रष्टाचार काफी गिनवा रहे हैं, तो ये सब चीज का निदान निकलेगा? आप उम्मीदवार है ना इस बार? बिल्कुल निकलेगा निदान, परिणाम की चिंता किए बगैर, परिणाम की चिंता किए बगैर चुनाव बाद हम लोग सब एक साथ बैठेंगे और एक जो है लोगों का समूह बनाएंगे, और समूह बना के एक एक बिंदु पर मुखिया चाहे जो भी हैं उनके हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे और फिर बेहतर तरीके से काम करेंगे। जो भी गरीबों की समस्या है हम उसके साथ मिल बैठ के सारा समाधान करेंगे। चलिए एक बार जोरदार ताली पहले बजाइए, देखिए शुरुआत होनी चाहिए, समझे ना, हम लोग भी कर रहे हैं शुरुआत, हम लोग भी दर्शक को जो जगा रहा, आप हमारे काहे नहीं हुआ
यही बात अगर लोग पहले से सोचते तो जितना समस्या अभी निकल के आ रहा है, जितना यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, एक एक आप गरीब से पूछिएगा तो बताएगा, जो एक एक घर जो आवास इनको मिला है उसमें 2,000, 5,000, 10,000 रुपया घूस डायरेक्ट एकदम सामना सामने लिया जाता है। आपको जानकारी है ना इसके बारे में? हाँ जानकारी है। हम आपको जवाबदेह बना देंगे, एकदम जवाबदेह बनाइए। मैं केस कर चुका हूँ, सारे पदाधिकारी को मेरे नाम से जा चुका है लिखित, यहाँ से लेकर के और पटना तक सीएम तक हम मैं भेज चुका हूँ। कोई नहीं, हम आप ही को फंसाएंगे, आप जिसको केस किए। एकदम गारंटी, गारंटी मैं ऐसा करूँगा और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा समाज का लड़ाई, पक्का, एकदम पक्का लड़ूंगा। चुनाव में भी खड़ा है? चुनाव में हम नहीं है, हमारी पत्नी खड़ी है। अच्छा। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राम सागर सिंह पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जो गरीबों का ही आवाज थे, गरीबों के लिए ही लड़ते लड़ते वो अपना आजीवन मुखिया पद पर रहते हुए वो स्वर्गवास हो गया। चलिए तो एक बात बताइए, हारना पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं पहली बार आ रहा हूँ, आज मैं बुझे जो कि चुनाव में आया हूँ। पूछिए इन लोगों से, चुनाव से पहले जो भी लोग ये कार्य बताए हैं, चाहे किसी तरह का काम रहा हो, मैं ईमानदारी पूर्वक इन लोगों का काम किया हूँ। अगर किया हूँ तो आप लोग ताली बजाइए, और नहीं किया है तो नहीं बजाइए। अच्छा एक बात बताइए, दोनों आदमी प्रत्याशी आ गए? हाँ, दोनों आदमी आप भी प्रत्याशी हैं? हम प्रत्याशी नहीं हैं। अच्छा है? आपकी पत्नी है? चलिए अच्छा कोई बात है, देखिए एकदम ये अच्छा चलो बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे तो परिचय नहीं थी अभी हमारी आपसे, लेकिन ये बात बहुत ही बेहतर हो गया है कि किस तरह दो प्रत्याशी यहाँ पर आ गए हैं और दोनों अपनी अपनी बात जनता के बीच सीधे सीधे रख रहे हैं। तो बहुत देखिए आप लोग बड़ा ही ध्यान रखिएगा, अपना हारना जीतना अलग की बात है, लेकिन हार करके भी समाज का काम होना चाहिए, जीत करके भी समाज ही का काम होना चाहिए। क्या इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। चलिए सब जी, तो देखिए इस तरह से हमारे पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं देवधारी पास। अच्छा आइए अभी आ जाइए, आइए अभी आ जाइए। देखिए यहाँ पर अभी रुक जाइए मत, कितना सुंदर माहौल यहाँ पर बन रहा है कि समाज के कई सारे बुद्धिजीवी जनता अभी इधर देखिए, यहाँ पर जोगिंदर जी आप भी आइए, बहुत ही बेहतर आप बोले, आप आइए इधर। देखिए ये जो माहौल बन रहा है, ये जो यहाँ की व्यवस्था बन रही है कि दो प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि है और एक यहाँ प्रतिनिधि के जो मददगार है, एक यहाँ पर जनता है, ये यहाँ पर पूर्व मुखिया है, कितना बेहतर है। और अब ये विकास की शुरुआत हो रही है, ये चौपाल गांव से समाज की वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जो कि बेहतर और बहुत ही बढ़िया है, जिससे समाज का विकास होगा। आपके समाज में कैसा विकास होगा? अभी तो मुखिया रहे, पहले से जानकारी मिल रही है, कैसे होगा विकास? सब लोग जागेंगे, मालूम होगा जब विकास का कार्य आया है तब न लोगों को विकास का जानकारी होगा। यहाँ तो कुछ आता है जनता को मालूम ही नहीं है, कहाँ आया, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। कार्य है मजदूरों का काम आने का लिए, तो जेसीबी से अपन काम करा के अपन मार लेते हैं। यहाँ जनता जो है, जनता गरीब, उसको किसी तरह का फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है यहाँ हो रहा है। इंदिरा आवास के संबंध में आप कहे हैं तो गिनती कीजिए कि कम से कम 500 इंदिरा आवास बनना यहाँ महा जरूरी है। मुखिया जी ने लिख कर दिया जी इंदिरा आवास पूरा हो गया, क्या हो गलत कर रहे हैं, इंदिरा आवास पूरा है, लेकिन शौचालय है, शौचालय का पैसा उठ गया, शौचालय बना ही नहीं। देखो तो यही तो समस्या, धर्म संकट है। और धर्म संकट क्या है, सरकार की तरफ से भी मैंने एक केस किया था सर, इस संबंध में एक केस किया था, इस एडिशनल कलेक्टर हमको बुलाए, वहाँ गए तो कहे जो आपने केस किया है, हम केस न किए हैं, हम तो बोले हैं जनता में, तो केस हो गया। तो किस पर केस किए, हम कहे अफसर पर हुआ, तो हम क्या है, हम कहे आप भी सर अफसर हैं, तो हम मदद करेंगे आप अफसर को कि आपको, आप क्या कीजिएगा, यही तो धर्म संकट बुझिए सर। हम कहे था आप जो कहिए सर से ही होगा, तो वो हमसे लिखवाए कि सब लोग ठीक है, आप लिख कर दीजिए, न तो हम आपको मदद न करेंगे। तो हमारे पास न उतना बड़ा पहुंच था, न पैसा था, मैं ये मुखिया रहते हुए ऐसा किया आप? जी हाँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, तो हम क्या लड़ाई लड़ते, लिखू कर चले आए। यही धर्म संकट है, कोटा वगैरह गरीबों को मिलता है, कितना लोग को पचा लिया, लोग कहने के गए, सुन कर लोग रह गए, जब बाजार जहाँ है तहाँ है। तो अफसर लोगों का तो अफसरवादी यही है, गरीब को लाभ मिले कहाँ से,
गरीब टपटक ताक रहा है। पंचायत में जो है आजाद भारत का पंचायत है नही? ना ना, आजाद का गुलाम का पंचायत है, गुलाम बेकार में चले गए महात्मा गांधी। हाँ बेकार में चले, बेकार में चले गए, नीचे हो गए की स्थिति। आप भी इधर आइए, आपको भी इसी गुलाम पंचायत में रह रहे हैं आप। बहुत दुखद है यहाँ की जो का जो सिस्टम है ना, पूरी तरह जो है चौपट हो चुका है। आप देखिए पूरी तरह भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। बहुत दुखद है, मतलब लोग डर से भी नहीं बोल पा रहा है। जो बोलता है उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया जाता है। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। चलिए अभी अभी जुड़ गई है कड़ी चौपाल में। अब आप दिखाएंगे हम लोगों को दिखाएंगे। और आप भी, आपको भी हम ये बात वादा करते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े, गरीब भले हम भी हो सकते हैं, गरीब और भी लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतना हिम्मत तो जरूर है कि हम आपकी बात देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, हम लोग फिर मिलेंगे। अभी चौपाल चूंकि चुनाव को लेकर है, समय का थोड़ा अभाव होता है। दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की स्थिति, और ऐसे लगता है कि आजाद नहीं है ये पंचायत छपरा गुलाम है। सब देखते हैं लड़का बच्चा सब बउआ रहा है, भूखे बउआ रहा है। लोग कहते हैं शिक्षा है या शिक्षा में क्या है, कुछ मिलता नहीं है खाने पेट में होने ना, शिक्षा गरीब का बच्चा कन्ने पर नहीं जाएगा। इस बार जो है ना बेहतर आदमी को वोट करवाइए, वोट करिए आप लोग। खैर वो तो हम लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम लोग नहीं कहेंगे, बेहतर को चुनिएगा, बेहतर पाइएगा। जनता लोगों से बात कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, जो इसे आदमी को कीजिए जो हम लोग कार्य करे, आगे काम हो, विकास का काम हो, गरीबों का काम हो, गरीबों के तक जो सामान आवे से जानकारी हो, गरीबों को जानकारी हो, जो मीटिंग है या सभा है, आम सभा है, ये सब जगह सुने ना सर। 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष में कई गो आदमी को नाम सभा में गए हैं नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह से अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग आएंगे और गांव-गांव में जो हम लोग जा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे दर्शक। तो ये छपरा में एक पंचायत है, ये कोई बहुत दूर नहीं है। और यहाँ पर जो बातें जी भयभीत है, लोग आते हैं, हम लोग अब भय भय नहीं चलेगा। भय से 75 साल पहले आजाद हो रहे थे, असलियत बात भय के चलते असलियत बात लोग नहीं बोल पाते हैं कि हमारा फलना चीज कह देता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? खैर लंबी बात चल जाएगी, दर्शकों मैं जरूर कहूंगा देखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, यहाँ की स्थिति बहुत ही बदतर है, उसको मैं दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। 68 साल हो गया। अच्छा कितनों डराइएगा, घर में बंद रहिएगा तो ये धरती छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? धरती कैसे छोड़ देंगे, समय आएगा तो छुटबे ना करेगा। समय आएगा तो छोड़ना। कितना साल? 100 साल के बाद? हाँ 100 साल के पूरी हुई धरती छोड़िएगा ना। तब बताइए कि 100 साल में आदमी को धरती छोड़िए देना है तो डर का आदमी जिए क्या लगता है? करेगा लोग क्या करेगा? भय से भय दूर करने के लिए तो आप ही लोग आए हैं, बात कीजिएगा। कैसे आए हैं तो लोग बोल रहा है कह रहा है, इसी से भय ना फटेगा। तो ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे फिरने वाले लोग हैं। और जो बात हम आपको दिखा रहे हैं ना वो बात, गरीब के बीच आइएगा, गरीबों को बोलने का, खड़ा होने का, बैठने का समस्या मिलेगा, तब ना गरीबों का हौसला बढ़ेगा। जो हम लोग ऐसे कि गरीबों का तो हौसला गिर चुका है, एक बार हौसला बढ़ाने के लिए ताली आप लोग बजाइए तो सब लोग ताली बजाए। हाँ देखिए हौसला बढ़ा ना, एकदम मोच थोड़ा सा और ऐठ दीजिए ऊपर में, ऐठिए थोड़ा सा ऐठिए मोच ऊपर में, ये देखिए जरूर देखिए। तो ये अब हमारे लोग मोच ऐठ रहे हैं यहाँ पर। अब आपको दर्शक जो भी हमारे दर्शक है ना वो गर्दा उड़ा देंगे। हमारे दर्शक में जो वैसे लोग हैं जो कि देख रहे हैं और काम नहीं कुछ करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग अब मुंह छेट के गर्दा उड़ाएंगे। जरूर सर गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए एक बार और ताली बजाइए सब आदमी जोरदार जी। बताइए क्या समस्या? 3 साल से तो हमें वृद्धा पेंशन के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है। एम की मिलेगा। एम की चुनाव में बढ़िया से वोट करिए, बढ़िया आदमी को चुनिए। डरिए भाई नहीं, डर भाई नहीं रखना है। ठीक है आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्या नाम हुआ? युवा है आप? अविनाश कुमार। अविनाश क्या 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 स्थिति आपकी पंचायत की आपकी नजर? खराब है, युवा सब भी परेशान हो रहे हैं, बुरा बुजुर्ग तो दशा खराब है, यहाँ बेरोजगारी में सब मर रहा है तो कहाँ जाएगा सब। चलिए तो इस बार जो है ना मैं जरूर कहना चाहूँगा, समय थोड़ा सा लगा है लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन जिन लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ना दूसरे को फॉरवर्ड भी करें। ये जो परिवर्तन करना है वो आपके हाथ में है, लेकिन बेहतर को चुनना है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार हुआ। चंदन जी कितनी बेहतर स्थिति है आपके पंचायत? एक अति बेहतर है, गलीज में चला गया सर। हाँ। परिवर्तन जरूरी है। अच्छा वो आपकी बात है, लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि बेहतर को चुनिए। जो भी आपके उम्मीदवार बनकर आए, 2-3 उम्मीदवार अभी भेंट हो गए, ठीक है ना, पूर्व मुखिया जी भी मिल गए, ये मिल गए ना। तो इस तरह से जो भी बढ़िया लगे उनको वोट करिए। और जरूर मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये जो यहाँ की स्थिति है, और कोई लोग अगर कुछ कहना चाहे आपका? जी सर जी ठीक है। क्या और लोगों को कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर की जो स्थिति है, यहाँ नहीं नहीं कोई बात है, आपके पास भी हम आ रहे हैं। यहाँ पर की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबके पास जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अब यहाँ पर लोग जग चुके हैं और इन्होंने मोह छेट करके भी इन्होंने दिखा दिया है कि अब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि अब बदलाव शुरू हो गया है और इसका आगाज आज हुआ है। और इस बार चुनाव में तो दिख ही जाएगा इस पंचायत में होना क्या है।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे शुरू किए थे पहले, आप ही को बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत, लेकिन एक दायित्व भी देकर के हम आज जाते हैं, हारे या जीते आपको लेकिन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हर पल हर समय चलिए, आप आ गए आपके पास भी, आपको भी लोग हारे या जीते आपके प्रतिनिधि, लेकिन मदद समर्पित है इस गरीब लोगों के लिए, इस समय बताएगा और बताता आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, हम आपके पास भी आते हैं। क्या शुभनाम हुआ आपका? जी सर, क्योंकि हम भी सिलौत गांव में दो फीट अगर जमीन मिलता है तो वहाँ पर जाकर सोलिन ठोक गए हुए हैं, ठोक गए। छपरा पंचायत में कहाँ दिया था, मुखिया सब थे। हमारा का नाम जे, हम भी एगो मिस्त्री है समझे, सोलिन ठोक रहे हैं। छपरा सिलौत पंचायत में दो फीट अगर जमीन है तो वहाँ पर सोलिंग दे रहा है, छपरा पद्धर में कहाँ सोलिंग हुआ? अभी होगा सोलिंग, अभी होगा, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से, जी जी अभी नहीं होगा। अब आपकी बात फिर हम रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय का अभाव है जी, बताइए क्या करें। सर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे समस्या है दलित महादलित पिछड़ा वर्ग के टोले में रास्ता का पूर्ण रूपेण अभाव है। यहाँ जो भी प्रतिनिधि रहे हैं इस पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। अब आपका दायित्व तो बनता है, प्रतिनिधि जो भी रहे हैं ध्यान आपको देना है, जब आप लोग ध्यान देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रयास जारी है, मैं कई जगह प्रयास किया हूँ, कागज लिख पर करके आगे बढ़ा रहा हूँ, और अगर हमारा बारी आता है तो सर्वप्रथम तो हम यही गरीब लोगों के रास्ता कहीं पर विचार करेंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, एक बार ताली बजाइए आप लोग, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बात पर ताली बजनी चाहिए, उसमें जोश आता है। और ये लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी, आप लोग भी ताली बजाइएगा अपने घर में बैठे बैठे भी, कि अब ऐसी बात समाज में हो रही है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी सर। पंचायत में हमारा पंचायत में हर पंचायत में रोड हर चीज बंद किया, दो फीट हम लोग सोलिंग किए, बनेगा यहाँ पे बनेगा, पंचायत में क्यों नहीं बना, तो बनेगा अब इस बनेगा बार, बनेगा। तो इस तरह से मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आज के लिए बस इतना ही, आगे सी खबर के लिए हम आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, चौपाल समाचार को से जुड़ जाएं। अगर आप पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज लाइक कर लें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं पेज को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप और फोन के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, नंबर डिस्प्ले कर रहा है, आप किसी भी माध्यम से जुड़े इस मुहिम में समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।